अगस्त 2021 को फ्रेंडशिप डे के दिन हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एक तोहफा दिया और उस तोहफे का नाम है एक किताब जिसका टाइटल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ना को हाँ में परिवर्तित करने की कला। कॉमन टू अनकॉमन के एजेंट लोगों के लिए टोटल 5 टूल है और वो 5 टूल है। सबसे पहला हमारा एक प्रेजेंटेशन फोल्डर है और प्रेजेंटेशन फोल्डर जो है वो उसका टाइटल है कवच बोल करके। कवच प्रेजेंटेशन फोल्डर ऐसा है कि आपको कस्टमर के सामने इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। कि जैसे आपने देखा होगा कि एक एमआर रहता है, एमआर जब भी डॉक्टर के सामने जाता है तो कैसे मतलब अपना फोल्डर खोल खोल के ऐसे 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 दिखाना शुरू करता है, और तो बार बार जब वो एक ही प्रोडक्ट के बारे में, एक ही टॉपिक के बारे में बार बार बात करता है तो उस सेल्समैन की अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बैठ जाती है। तो कवच प्रेजेंटेशन इसी प्रकार से बनाई हुई चीज है, एक प्रेजेंटेशन फोल्डर है। आपको बारी बारी हर पेज के ऊपर अपने कस्टमर से बात करनी है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बात कहाँ से शुरू करें। दूसरा हमारा टूल है नीड एनालिसिस बुकलेट जिसका टाइटल है हेल्प मी टू हेल्प यू। कि अगर मैं केडी दत्ता साहब के घर में इंश्योरेंस बेचने के लिए गया और उनको मैंने कवच प्रेजेंटेशन फोल्डर के माध्यम से बताया कि आपको अपने भविष्य के लिए वित्तीय आयोजन क्यों करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमारी जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसके लिए आने वाले भविष्य में हमको पैसा चाहिए ही होगा चाहे हम सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, वो सारी बातें समझाने के बाद में जब केडी दत्ता साहब तैयार हो गए कि नहीं आनंद भाई आपकी बात सही है, फिर मैं उनके सामने वो हेल्प मी टू हेल्प यू बोलकर के जो टाइटल वाला नीड एनालिसिस बुकलेट है जिसमें आपको पेजेस दिए जाते हैं ब्लैंक पेजेस और उसमें टाइटलिंग की हुई है जिसमें मैं केडी दत्ता साहब से उनकी इनकम, उनकी उम्र, वो क्या करते हैं, उनकी वाइफ हाउस वाइफ है कि वर्किंग वूमन है, उनकी उम्र, वो कितना पैसा कमाती है, उनके बच्चों की उम्र, वो कितना कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, कितने साल के बाद बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, कितने साल के बाद उनकी शादी के लिए कितना पैसा चाहिए, उनका रिटायरमेंट फंड कितना चाहिए, उनको पेंशन कितना चाहिए, लायबिलिटी कितनी है, ये पूरा डेटा मैं ले लूंगा। साथ ही साथ उनका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कितना है, उनका बैंक एफडी कितना है, पोस्ट वगैरह में कितना पैसा डाला हुआ है वो भी मैं ले लूंगा, चाहिए कितना भविष्य में और प्लानिंग कितना किया हुआ है, ये दोनों डेटा लेने के बाद में फिर मैं दूसरी मीटिंग के अंदर उनको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से प्लानिंग करनी है, मैं अपना प्रपोजल लेकर के जाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो जब हेल्प मी टू हेल्प यू वाला जो बुकलेट आपके पास में होता है तो कस्टमर से डेटा कलेक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और जब आप कस्टमर का डेटा कलेक्ट करके प्लानिंग करके देते हैं तो आपकी पॉलिसीज और लाइव्स दोनों ही बढ़ती है और साथ ही साथ प्रीमियम भी बढ़ता है। तो पॉलिसी बढ़ने से फायदा ये होता है कि आप शतकवीर की तरफ तेजी से जाते हैं, लाइव्स बढ़ने से फायदा ये होता है कि आप क्लब मेंबर की तरफ तेजी से जाते हैं, और प्रीमियम बढ़ने से फायदा ये होता है कि आप एमडीआरटी की दिशा में तेजी से जाते हैं, ये उस बुकलेट का फायदा है। तीसरा जो हमारा टूल है जो हमने डिजाइन किया है वो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट बुक। आपको बस उसमें नाम नंबर वगैरह डिटेल डालनी है ना, और उसमें 1000 लोगों की लिस्ट आप बना सकते हैं, इतना बड़ा वो बुकलेट हम आपको दे रहे हैं। चौथा जो है जो अभी हमने लॉन्च किया 1 अगस्त को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का किताब। कस्टमर हमें 2 लेवल पर ऑब्जेक्शन देता है, अपॉइंटमेंट लेवल पर और क्लोजिंग लेवल पर। तो अपॉइंटमेंट लेवल पर ऑब्जेक्शन कौन सा कस्टमर क्या देगा वो भी उसमें विस्तार से बताया गया है, उसका जवाब क्या देना है वो भी डायलॉग के साथ बताया गया है, और जब आप चेक मांगेंगे तो वो क्या जवाब देगा कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा मैं सीए से बात करके बताता हूँ, मुझे लग रहा है इसमें रिटर्न कम आ रहा है, मेरे धर्म के अंदर इंश्योरेंस लेना मना है, मैं अपने परिवार से एक बार बात करनी पड़ेगी, फलाना ढिमका, ऐसे 13 ऑब्जेक्शन है, और उन 13 के 13 ऑब्जेक्शन के जवाब के साथ आपको और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये जो टोटल 17 अपॉइंटमेंट लेवल के 4 ऑब्जेक्शन और क्लोजिंग लेवल के 13 ऑब्जेक्शन, ये जो टोटल 17 ऑब्जेक्शन आपको आने वाले हैं उनको जवाब के साथ उस किताब में दिया गया है। आप जिंदगी भर इंश्योरेंस बिजनेस जब तक करते रहोगे तब तक आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए दोबारा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन ये बात लोगों की है कि जिन्होंने इस किताब को पढ़ा वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर एक इंश्योरेंस एजेंट को जिंदगी भर का सॉल्यूशन मिल गया कि अगर वो इस किताब को याद कर लेता है। 92 पेजेस की वो किताब है, 92 पेजेस की किताब को अगर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट अगर वो याद कर लेता है, उन जवाबों का रट्टा मार लेता है, तो उसको जिंदगी में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कभी परेशान नहीं कर सकता, उसको ज्यादा अपॉइंटमेंट मिलेंगे और ज्यादा चेक मिलेंगे, ये लोगों का कहना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चौथा टूल है हमारा जो हमने आप लोगों के लिए डेवलप किया है। और पांचवा जो टूल है वो है और एक किताब जिसका टाइटल है मिशन नो कमीशन।
हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत, कई सारे लोग जो है इस शानदार बिजनेस से बाहर निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कमीशन की समस्या। ये बीमारी और इतनी खतरनाक बीमारी है कि जो जैसे कोरोना लोगों को शारीरिक रूप से खत्म कर देता है, ये कमीशन वाली बीमारी एजेंटों को आर्थिक रूप से खत्म कर देता है और वो मतलब निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री बिल्कुल बेकार है और इतने ही पैसे अगर होते लोगों को वापस देने के लिए तो मेरे को ये धंधा करने की जरूरत क्या थी। माय डियर फ्रेंड्स, मिशन नो कमीशन बोलकर के वो किताब में एक ही ऑब्जेक्शन के ऊपर बात की है कि कस्टमर कमीशन मांगता क्यों है, मांगे तो जवाब क्या देना है और उसके लिए हमें किन किन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसे पूरा विस्तार से बताया गया है एक ही टॉपिक के ऊपर। ये दोनों किताबें हिंदी में अवेलेबल है, हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो भारत का कोई भी व्यक्ति इन किताबों का फायदा ले सकता है। तो ये पांच चीजें हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की किताब लेना चाहते हैं, उस किताब की कीमत है 195 रुपीज प्लस कुरियर चार्जेस अलग से लगेंगे। लेकिन यदि आप इन पांचों चीजों को एक साथ ले रहे हैं, पांच चीज कौन सी, कवच प्रेजेंटेशन फोल्डर, हेल्प मी टू हेल्प यू, नीड एनालिसिस फॉर्मेट जो है वो, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बुक, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की किताब, मिशन नो कमीशन का बुक, अब अगर ये पांचों चीजों आप एक साथ लेते हैं तो 1500 रुपए में इंक्लूडिंग कुरियर कॉस्ट आपको ये सारी चीजें भारत के किसी भी कोने में आप रहते हैं वहां पर पहुंचा दी जाएगी। अगर आप सिर्फ किताब खरीदना चाहते हैं इट इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन आपके फायदे के लिए मेरा ये मानना है कि हर LIC एजेंट के पास में ये पांच चीजें होनी चाहिए, तो आपके लिए इस बिजनेस को करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जितनी भी चीजें हम कर पा रहे हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, कि आप लोगों की वजह से ही हम इतनी चीजें डेवलप कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें हम नहीं बना पाते अगर आप हमें अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताते। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ।